खरीदने में थोड़ा सा विलम्ब कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, मशीन खरीदने में थोड़ा सा और विलम्ब कर दें तो अच्छा है, क्योंकि उसके लिए अनुकूल समय नहीं है। लोहे के मशीन के खरीदने में अपव्यय होगा। अपव्यय होने का मतलब है जितने की कीमत है वो तो कीमत लगा दें, उससे ज़्यादा कीमत लग जाएगी या कुछ ऐसा नुकसान हो जाए, इसलिए अवॉइड करें, इस सप्ताह ना खरीदे तो अच्छा है। लोहा मशीन खरीदने में सुख शांति तो मिलती है, लेकिन वह भी होता है, लेकिन वो क्या है कि तत्काल का कोई चीज़ अच्छी दिखती है तो कल के लिए खराबी ना जाए, क्योंकि इस समय लोहा तो खरीदना ही नहीं चाहिए। साथ साथ में आपके लिए अच्छे कार्यों में खर्च होगा, केवल लोहा मशीन से संबंधित नहीं, आपके माता के संबंध में, आपके भवन के संबंध में रुके हैं कई दिनों से कार्य, वो भी प्रारंभ होने का समय आ चुका है। इस सप्ताह में भवन निर्माण के संबंध में रुके हुए कार्य आपके दूर होंगे, और भवन बेचने का अगर योग है तो वो भी ठीक हो जाएगा, भवन बनाने का योग है वो भी ठीक हो जाएगा, मित्रों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, जो कल मित्र जिसको आप नहीं मानते थे वो भी मित्र बन जाएंगे, जो शत्रुता हो गई थी वो भी मित्र बन जाएंगे, और आपका हृदय संबंधी एक मन मंगलमय आनंद विभोर यानी सुख हृदय में एक शांति का अनुभव करेंगे, ये बात अवश्य है, मन में किसी प्रकार का विकार नहीं रहेगा। इस प्रकार से ये धन कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह का वर्णन कर। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का समय भी है, इसमें पारिवारिक जीवन में आपको सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन में सहयोग के साथ साथ आपके लिए सुख शांति होगी, परिवार का जीवन सुखी रहेगा, और भाग्य वृद्धि का अच्छा समय है। भाग्य वृद्धि में एक अचानक कोई नए आयाम जुड़ जाए, पुराने रोग हैं वो समाप्त होने वाले हैं, नया रोग कुछ हो सकता है वायुजनित, लेकिन दूसरे रोग समाप्त होने का समय है। इसके लिए धन कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह एक ऊहापोह भरा रहेगा, और ख़ास करके कुंभ राशि वालों के लिए जो राहु है वो पांचवा है, पांचवा राहु संतान के लिए बाधा कारक है, संतान के लिए थोड़ा सुख साधनों में कमी हो सकती है, संतान बाधा आ सकती है, संतान कोई कष्ट हो सकता है, संतान के रख रखाव में आपकी पूर्ति ना हो पाए, कुछ परेशानी हो सकती है, इससे ही संबंध रखना, ऊपर संतान को कष्ट भी हो सकता है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। और अचानक कोई भाग के विषय में दोनों प्रकार की, एक तरफ अच्छी सूचना मिल रही है तो दूसरी खराब सूचना मिल रही है, दोनों प्रकार की समाचार मिल सकते हैं, एक तरफ अच्छाई भी चल रही है एक तरफ बुराई भी चल रही है, दोनों प्रकार के मिला जुला फल देने वाले होंगे। इस प्रकार के आपके कुंभ राशि वालों के लिए समय अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार का है, यानी मिला जुला फल देने वाला है, तथा 17 तारीख मई की सबसे अच्छी रहेगी, पहले दिन से ही सप्ताह के रविवार को ही शुभ समाचार मिल जाएगा, और उसी दिन आपको 17 और 18 दोनों तारीखें आपके लिए परिपूर्ण बहुत अच्छी रहेंगी, और 17 और 18 दोनों अच्छी रहेंगी, और 19 तक अच्छी बनी रहेगी, और 21 में थोड़ी सी खराबी आ सकती है, इसका ध्यान रखना है। सप्ताह का अंत जो है तो फिर ठीक रहेगा, प्रारंभिक ठीक है, अंत ठीक है, मध्य जो सप्ताह का वो थोड़ा सा हानिकारक भी रहेगा और फायदेमंद भी रहेगा। इस प्रकार से कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह मंगलमय हो, बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कुंभ राशि का भविष्य समाप्त। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास।
आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।